आप सभी का स्वागत है। आप देख रहे हैं खबर समय जगत और मैं आपके साथ जया बाजपेयी। मृगवास में हनुमान जी की प्रतिमा पर गंदगी पोतने वाला आरोपी गिरफ्तार। मृगवास के हनुमान मंदिर में भगवान बालाजी की प्रतिमा पर गंदगी लगाकर अपवित्र किए जाने के मामले में पुलिस ने पर्दाफाश कर आरोपी को गिरफ्तार किया। दरअसल 12 नवंबर को किसी असामाजिक व शरारती तत्व द्वारा जिले के मृगवास में नई छतरी वाले हनुमान मंदिर में भगवान बालाजी की प्रतिमा के चेहरे पर गंदगी लगाकर अपवित्र किए जाने की घटना कारित की गई थी। इस घटना पर से फरियादी दीपक चौरसिया निवासी मृगवास की रिपोर्ट पर से मृगवास थाने में अज्ञात आरोपी के विरुद्ध अपराध दर्ज कर विवेचना में लिया गया था। आपको बता दें कि भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर गंदगी लगाकर अपवित्र किए जाने के उपरोक्त घटनाक्रम को मुन्ना पुलिस अधीक्षक श्री संजीव कुमार सिन्हा द्वारा संवेदनशीलता से लिया और घटना की गंभीरता को देखते हुए मामले का शीघ्र पटाक्षेप किए जाने हेतु तत्काल SDOP राघवगढ़ दीपा डोडवे के नेतृत्व में पुलिस की अलग अलग दो टीमें आरोपी की तलाश व पातासाजी में लगाई गई। साथ ही यह घटना कारित करने वाले अज्ञात आरोपी की गिरफ्तारी पर ₹5,000 का इनाम भी उद्घोषित किया गया। वहीं पुलिस टीमों द्वारा घटना से संबंधित आवश्यक व परिस्थिति जन्य साक्ष्य संकलित कर प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी के सघन प्रयास किए। साथ ही इस हेतु अपने मुखबिर तंत्र को सक्रिय कर विभिन्न माध्यमों से अज्ञात आरोपी की पतासाजी के निरंतर प्रयास किए। इस हेतु कई संदिग्धों को राउंडअप कर उनसे पूछताछ की गई, जिसके परिणाम स्वरूप प्रकरण के अज्ञात आरोपी की पतासाजी करने में पुलिस को आज सफलता मिल गई और भगवान हनुमान जी की प्रतिमा पर गंदगी लगाने वाले की पहचान कैलाश पुत्र मन्ना लाल शर्मा निवासी मृगवास जिला गुना के रूप में कर ली गई। आपको बता दें कि आरोपी कैलाश शर्मा द्वारा पूछताछ पर यह घृणित कृत्य करना स्वीकार किया गया। विदित है कि 12/11/24 को एक मृगवास थाना क्षेत्र में एक हनुमान जी की प्रतिमा पर एक गंदगी लगाने का मामला सामने आया था, जिसमें धारा 298 BNS के तहत अपराध पंजीबद्ध किया गया था, जिसमें पुलिस अधीक्षक महोदय के द्वारा ₹5,000 का इनाम भी घोषित किया गया था अज्ञात आरोपियों को ढूंढने के लिए, जिसमें संदिग्धों से पूछताछ की गई। आसपास लोगों से सभी से पूछताछ के आधार पर एक व्यक्ति कैलाश शर्मा पुत्र मन्ना लाल शर्मा 50 साल उम्र मृगवास का ही निवासी है, इसको गिरफ्तार किया गया है और कोर्ट पेश किया गया है। इसके द्वारा कबूल भी किया गया है कि नशे की हालत में होने के कारण इसके द्वारा यह ऐसा कृत्य किया गया है। इस तरह की खबरों को देखने के लिए सब्सक्राइब करें खबर समय जगत।